वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच मध्य प्रदेश में सियासत गरमा रही है। कांग्रेस और भाजपा के बीच तनातनी जारी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। हाल ही में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए दल बदल करने वाले 22 विधायकों को वोट ना देने की अपील जनता से की और अब दिग्विजय सिंह के खिलाफ सिंधिया समर्थक का बड़ा बयान सामने आ गया है। दिग्विजय सिंह फेसबुक पर पोस्ट करते हैं और उसमें मध्य प्रदेश की जनता से कहते हैं कि जो नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए हैं वो गद्दार हैं, उनके खिलाफ हमारा साथ दें, उन्हें वोट ना करें। अब इन सबके बीच गोविंद सिंह राजपूत ने कहा, गद्दारी की शुरुआत दिग्विजय सिंह के परिवार से हुई है। संकट के समय में दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ा। अगर वो गद्दार नहीं तो हम भी गद्दार नहीं, अगर वो गद्दार हैं तो हम भी गद्दार हैं। गोविंद सिंह राजपूत का कहना है, सिंधिया को लेकर जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं ग्वालियर में, ये पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण है। जब लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, दूसरे नेता बाहर नहीं निकल रहे, तब ज्योतिरादित्य सिंधिया क्षेत्र में कैसे जा सकते हैं? सिंधिया दिल्ली में कम और क्षेत्र में आम जनता के बीच ज़्यादा घूमते हैं। भारतीय जनता पार्टी में वैसे तो हर एक कार्यकर्ता बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन इस बार उपचुनाव में दो चेहरे हैं, एक सिंधिया, दूसरे शिवराज, जो घर पर नहीं बैठते, दिन रात जनता के बीच सेवा करते हैं। दोनों चेहरों पर चुनाव होगा, दोनों की जोड़ी प्रदेश की जनता को खूब जमेगी। आपको बता दें, दिग्विजय सिंह अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए सिंधिया पर गद्दारी करने का आरोप लगाते हैं। दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन ज्योतिरादित्य सिंधिया को गद्दार कहते हैं, देशद्रोही कहते हैं। खैर, दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह तो उपचुनाव से पहले सिंधिया पर आरोप लगा ही रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों को ही जवाब दे चुके हैं, लेकिन पोस्टर विवाद पर, गद्दारी के इल्ज़ाम के विवाद पर सिंधिया समर्थक पलटवार कर रहे हैं। SPN 9 न्यूज़ से मेघा की रिपोर्ट।